चलिए दोस्तों, यहाँ मैं फ्रिज को साफ कर लेती हूँ। और आज इस वाले चैनल के लिए भी मैंने वीडियो शूट किया। बहुत दिन से वीडियो मतलब डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है। आप लोग के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे वीडियो अपलोड करो, तो आज से मेरे डेली वीडियो आएंगे। और इतना बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो शूट करने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं वीडियो डेली डाल रही हूँ, लेकिन इस पर नहीं डाल पाती। और यहाँ फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज बहुत ही बेकार हो गया, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, उसके बाद मैं साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत साफ मतलब थोड़ा बहुत गंदा होता है तो मैं साफ़ करती नहीं हूँ। ज़्यादा कुछ गंदा हो जाता है मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब फ्रिज देखने लायक नहीं है। जब मैं कहीं साफ़ करती हूँ तो इसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। उसकी ट्रे तो मैं साफ़ करके रख दी है बस। और यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले मतलब फ्रिज साफ़ करने से पहले मैंने बनाया था पनीर का सब्जी और कुछ पूड़ियाँ। कोई गेस्ट आए हुए थे, अब मुझे याद नहीं है कौन कौन आया था, क्योंकि ये थोड़े दिन का पहले का ब्लॉग है। मैं मतलब एडिटिंग करना रह गया था। मेरा ब्लॉग तो मतलब डेली मतलब शूट कर लेती हूँ, लेकिन मैं एडिटिंग करना रह जाता है मेरा, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ कभी, और कभी टाइमिंग नहीं होती अपने पास, क्योंकि हाउस वाइफ है तो बहुत सारे काम होते हैं, और इसीलिए मतलब एडिटिंग आगे पीछे हो जाती है थोड़ी। और इतना बेकार हो गया था ये फ्रिज, बता नहीं सकती। ये कुछ दिन पहले का ब्लॉग है, तो इससे मतलब इसके बाद मैंने फिर से दोबारा से फ्रिज साफ़ कर ली। वो इससे मतलब दूसरा वाला चैनल, उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, और ये पहले का मतलब वीडियो शूट किया हुआ रखा था, तो मैंने अब मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ फ्रीज मेरा एकदम क्लीन हो गया, एकदम चमचमा रहा है। आप लोग भी देख सकते हो, फ्रीज में बहुत अच्छे से साफ, कोई भी चीज़ होती है करो तो उसको अच्छे से ढंग से साफ करो, वरना करो ही मत। तो यहाँ मैं ट्रे उठाने गई थी तो ट्रे भी मैं तुरंत पहुँच पहुँच के मतलब फ्रीज में लगा देती हूँ। और आप लोगों से हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वॉइस ओवर करते मैं हिचकिचा रही हूँ, मैं अभी जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, इवनिंग का टाइम है और मैं इवनिंग के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे नाइट में अपलोड करना है, 8 बजे मतलब पब्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हो, ट्रे मतलब सूखने के बाद भी पहुँचना पड़ती है, दाग धब्बे नहीं रहता है, फ्रीज को एकदम चमचमाना है। और फ्रीज जब साफ़ करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, मतलब साफ़ करने के बाद 1-2 दिन तक बहुत मतलब उसको बार बार खोलो, उसमें सामान रखो, बहुत अच्छा मतलब फीलिंग आता है फ्रीज को देख के कि कितना साफ़ सुथरा है। और 2-4 दिन हुआ ना तो इतना बेकार हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसको बंद पड़े रहने दूँ। तो यहाँ मैं मतलब ट्रे लगा रही हूँ बस। आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा, ब्लॉग पसंद है तो बस।